मैं नीलेश सिंहवाल हिंदू जनजागृति समिति की ओर से पालघर में पुलिस कर्मियों के सामने ही दो संतों का मॉब लिंचिंग करना ये महाराष्ट्र को अत्यंत कलंकित करने वाली घटना हुई है। पालघर में हिंसक भीड़ ने पुलिस कर्मियों के सामने ही अमानुष मारपीट कर श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के संत कल्पवृक्षगिरी महाराज एवं सुशीलगिरी महाराज और उनके साथ ही उनके वाहन चालक की निर्मम हत्या की है। इस संदर्भ में सामने आए हुए वीडियो में पुलिस कर्मियों के द्वारा ही उन वयोवृद्ध संतों को हिंसक भीड़ के सामने उनके हाथों सौंपने और पुलिस कर्मियों के सामने ही उनकी निर्मम हत्या किए जाने का भीषण सत्य उजागर हुआ है। जिन पर जनता की सुरक्षा का दायित्व है वे पुलिस कर्मी ही यदि हत्या करने वालों की सहायता करने लगे तो अब जनता किसके भरोसे रहेगी। इससे पहले भी थाने के पुलिस कर्मियों के द्वारा एक हिंदुत्वनिष्ठ को उसके घर से उठाकर मंत्री के बंगले पर लेके जाना, वहां उसके साथ अमानुष मारपीट होना, इस प्रकार की घटना सामने आई हुई है। तुकाराम ओंबळे जैसे पुलिस कर्मी के बलिदान से बड़ा महाराष्ट्र पुलिस बल का गौरव ऐसी घटनाओं से कलंकित होकर पतन की ओर जा रहा है। ये घटनाएं संतों की भूमि कहलाने वाले महाराष्ट्र को कलंकित कर रही है। बार बार हिंदुओं को लक्ष्य बनाने वाली ऐसी हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पालघर के प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच कर दोषी हिंसक भीड़ के साथ संबंधित पुलिस के विरुद्ध भी धारा 302 के अंतर्गत प्राथमिकी प्रविष्टि की जानी चाहिए। साथ ही पुलिस कर्मियों को पुलिस विभाग की सेवा से हटा देना चाहिए, यह हमारी मांग है। सरकार को इस संदर्भ में जनता के सामने सच्चाई रखनी चाहिए। लॉकडाउन में यातायात बंदी के समय पालघर में रात के समय सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। वहां पर लाठियों के साथ वो बाहर आती है और संतों द्वारा पुलिस कर्मियों से संरक्षण की गुहार लगाने के बाद भी ये भीड़ उनकी निर्मम हत्या कर रही है। ये स्तंभित करने वाला दृश्य है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा देश के 13 अखाड़ों में से सबसे बड़ा अखाड़ा है। इस कारण देश भर में रोष व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए सरकार इस प्रकरण में तुरंत कार्रवाई करे, यह हमारी मांग है। अधिवक्ताओं की और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन करते हुए भी जांच की जा सकती है, वरना सरकार इसकी जांच के लिए न्यायिक कमीशन नियुक्त करे। साथ ही दोषी पुलिस कर्मियों को पुलिस विभाग की सेवा से हटाया जाए, ये हिंदू जनजागृति समिति की मांग है।
अधिकारी संत भी हैं। आप पिछले 21 वर्षों से पूर्णकालीन रूप से हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर प्रवास में रहते हैं। आपके सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र के अनुभव का लाभ हमें निश्चित होगा। आइए आज का धर्म संवाद हम प्रारंभ करते हैं। कल के धर्म संवाद में हमने गुरु इस विषय पर जनमानस के मन में निर्माण होने वाले सामान्य प्रश्नों के उत्तर जानकर लिए। आज भी हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए अलग अलग प्रश्नों को पूछेंगे, जिसमें हम शिष्य के विषय में भी आज जानने का प्रयास करेंगे। पूजनीय नीलेश जी, सबसे पहले आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि गुरु के छायाचित्र को हम जो अर्थात फोटो को पूजा घर में रखते हैं, तो ऐसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। अवश्य, यदि संभव हो तो छायाचित्र पूजा घर में स्थापित करें अपने गुरु का, गुरु के निरंतर स्मरण करने के लिए उनका जो छायाचित्र है वो अपने बैठक कक्ष में, अपने रसोई घर अथवा अपने कार्यालय इत्यादि स्थानों पर भी अपने श्री गुरु का फोटो लगाया हो तो अन्य फोटो समान उसे केवल फोटो न समझकर वो प्रत्यक्ष श्री गुरु ही है ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि शब्द स्पर्श रूप रस गंध एवं उनकी शक्ति के सदा एकत्रित होने के कारण गुरु के छायाचित्र में उनका चैतन्य भी होता है। गुरु के छायाचित्र को प्रत्येक दिन पहुंचकर देवताओं की पूजा के समय जब हम अगरबत्ती दिखाते हैं तो उन्हें भी अगरबत्ती दिखाएं, तथा पूजा समाप्त होने पर जब नमस्कार करते हैं तो उन्हें भी अवश्य नमस्कार करें। कार्यालय में छायाचित्र को अगरबत्ती दिखाना संभव नहीं होता है, इसलिए मन से नमस्कार करें। अपने बटुए में, जेब में, लॉकेट इत्यादि में श्री गुरु का यदि चित्र रखा हो तो उसे भी प्रतिदिन बाहर निकालकर मनोभाव से नमस्कार करना चाहिए। देवताओं के समान प्रतिदिन गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु की कोई विशेष आरती हो तो वह भी करें, अन्यथा गुरु रूपी भगवान दत्तात्रेय की आरती करनी चाहिए। अर्थात गुरु ने जो नाम दिया है वह उस समय जपना चाहिए। यदि गुरु ने किसी विशिष्ट देवता का नाम जप करने के लिए कहा हो तो उस देवता का चित्र गुरु के चित्र अथवा मूर्ति की दाईं ओर, एवं यदि गुरु ने देवी का नाम जप करने के लिए कहा हो तो उनका चित्र अथवा मूर्ति गुरु के चित्र की बाईं ओर स्थापित करने चाहिए। आगे चलकर विवाह हो जाए तो कुटुंब के अन्य सदस्यों के लिए कुल के स्त्री एवं पुरुष देवताओं की मूर्तियां एवं चित्र उपर्युक्त नियमों के अनुसार पूजा घर में स्थापित करनी चाहिए। किसी विद्यार्थी अथवा स्त्री को यदि गुरु प्राप्ति हुई हो, यानी किसी को यदि गुरु प्राप्ति हुई हो किंतु उसके माता पिता अथवा पति विरोध करते हो, यानी उनका छायाचित्र रखने के लिए विरोध कर रहे हैं, तो वे गुरु का चित्र अपने ड्रॉवर में, अपने अभ्यास के पुस्तकों में, बटुए में इत्यादि में रख सकते हैं। पूजनीय नीलेश जी, अपने छायाचित्र के विषय में बताते समय जो छायाचित्र पूजा घर में भी रखने का शास्त्र जो बताया वो निश्चित तौर पर हमारे सभी दर्शकों के लिए लाभदायी रहेगा। अब हम आपसे गुरु की पूजा में एक विषय आता है गुरु दक्षिणा का, तो गुरु दक्षिणा के विषय में आपसे जानना चाहेंगे कि गुरु दक्षिणा यह विषय निश्चित रूप से क्या है। जैसे सूर्य बिना कहे अत्यंत निरपेक्षता से सबको प्राण की ऊर्जा देता है, मेघ जल बरसाता है, हवा भी बिना किसी भेदभाव या लालच के ठंडक पहुंचाकर सभी को जीवित रखती है, और फूल भी अपने महक सभी को देने में कोई कसर नहीं छोड़ता, वैसे ही श्री गुरु स्वयं ही शिष्यों की भलाई में लगे रहते हैं।
उनका उद्देश्य शिष्य से गुरु दक्षिणा लेना कतई नहीं रहता है, अपितु शिष्य को ज्ञान का महत्व समझाना यही होता है। स्मृति ग्रंथों के अनुसार गुरु यदि अक्षर भी मांगे, अक्षर भी सिखाए, तब भी पृथ्वी पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे देकर शिष्य गुरु के ऋण से मुक्त हो सके। इसलिए कहा जाता है कि गुरु ऋण से मुक्त होना बहुत कठिन है। शिष्य को यह ध्यान में रखना चाहिए कि अंत में तो अपना तन मन एवं धन सब कुछ श्री गुरु को अर्पित करना है, और यह ध्यान में रखकर अपनी मासिक आय एवं कुल संपत्ति का कुछ अंश चरण दर चरण गुरु को अर्पित करना चाहिए। गुरु को अपना समस्त अर्पित करने पर ही वे शिष्य को सर्वस्व अर्थात अपनी सर्वज्ञता एवं सर्वशक्तिमानता देते हैं। गुरु को सर्वस्व अर्पित करना यही शिष्य के लिए खरी गुरु दक्षिणा होती है। किसी के मन में आया होगा कि यदि गुरु वैराग्य की मूर्ति हो, गुरु की वैराग्य तो मूर्ति होते हैं, उनकी कोई इच्छा भी नहीं होती है, तो वे शिष्य का सर्वस्व क्यों मांगते हैं? यह ध्यान में रखना चाहिए कि गुरु अपना सब कुछ त्याग कर साधना करते हुए गुरुपद को प्राप्त की उन्होंने किया हुआ रहता है। साधना करते हुए माया के प्रति आसक्ति नष्ट होने से गुरु ने जो आनंद की अनुभूति ली है, वही अनुभूति शिष्य को भी मिले, यही गुरु का प्रयास होता है। गुरु का उद्देश्य होता है कि संसार के प्रति शिष्य के आसक्ति को नष्ट करना। जैसे ही शिष्य का मन का त्याग करने के लिए तैयारी हो जाती है, यानी मन का त्याग करने के लिए तैयार शिष्य बन जाता है, उस क्षण से गुरु से कुछ भी नहीं मांगते। आपने जिस ढंग से बताया तो हमें गुरु दक्षिणा के विषय में सारे दर्शकों के मन में यदि कोई भ्रांतियां थी तो वो भी निश्चित तौर से दूर हुई होगी, और गुरु दक्षिणा का महत्व भी हमें समझ में आया कि वास्तविक रूप से गुरु दक्षिणा क्या है और उसका महत्व क्या है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक शिष्य का गुरु के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और शास्त्रों में बताया है कि गुरु के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा रहे, उनके बैठो कहने पर बैठे। गुरु की तुलना में शिष्य का अन्न वस्त्र एवं वेश साधारण होना चाहिए। रात्रि के समय जब गुरु सो जाए तब ही शिष्य को सोना चाहिए तथा प्रातः उनके जगने से पहले ही उठ जाना चाहिए। गुरु की आज्ञा के अधीन रहना चाहिए, गुरु के समक्ष ऊंचे आसन पर न बैठें, गुरु के नाम का उच्चारण न करें, गुरु के बोलचाल की नकल न करें। गुरु की निंदा यदि कोई कर रहा हो तो कान बंद कर लें अथवा वहां से हट जाएं, इत्यादि कृत्य शिष्य के द्वारा अपेक्षित है। गुरु के पास जाए तो स्वयं कुछ न बोलकर वे जो कुछ कहते हैं वो सुने, उससे सीखने का प्रयास करें कि गुरु क्या सिखा रहे हैं। उनके पास निश्चल भाव से जाएं, कुछ भी ना छुपाएं, तो यही शिष्य का आचरण गुरु के सामने होना आवश्यक है शास्त्रों के अनुसार। आपने अभी शुरुआत में एक बात कही शिष्य के आचरण के विषय में कि गुरु के सामने शिष्य ने सदैव हाथ जोड़ के रहना चाहिए, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक शिष्य ने गुरु को नमस्कार कैसे करना चाहिए। अब एक व्यवहार में भी किसी भी परिचित व्यक्ति से जब हमारी भेंट होती है तो हम उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, अथवा आयु में बड़े हो तो उनके चरण छूकर नमस्कार करते हैं। अपने घर में, गुरु के आश्रम में, मार्ग पर अथवा अन्यत्र कहीं भी गुरु के दर्शन होने पर उनके चरणों पर मस्तक रखें। चरणों पर मस्तक रखना अर्थात बुद्धि की शरणागति। संतों को केवल हाथ जोड़कर नमस्कार करने की अपेक्षा उनके चरणों पर मस्तक रखकर नमस्कार करते समय संत अपने हाथों से कई बार पीठ अथवा मस्तक को स्पर्श करते हैं, जिससे शिष्य को अधिक लाभ होता है। जब शिष्य गुरु अथवा संतों के चरणों पर मस्तक रखता है
तब मस्तक पर स्थित ब्रह्मरंध्र द्वारा शक्ति एवं आनंद की तरंगे अधिक मात्रा में उसके शरीर में प्रवेश करती है। तो ये भाव शिष्य का होना चाहिए। अभी गुरु के नमस्कार के साथ ही एक विषय और एक बात हमें ध्यान में आई कि गुरु पूर्णिमा। तो भारत में गुरु पूर्णिमा बहुत ही धूमधाम से अनेक जगहों पर मनाई जाती है, अनेक आश्रमों में मनाई जाती है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे कि गुरु पूर्णिमा अर्थात क्या है? अब तो गुरु पूर्णिमा आने ही वाली है जुलाई में, तो इसके बारे में जानना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। और गुरु शिष्य परंपरा जो है वो भारत की सर्वश्रेष्ठ परंपरा है। और गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने का उद्देश्य केवल गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना इतना ही नहीं है, पर उस दिन गुरु का कृपा आशीर्वाद एवं उनसे प्रक्षेपित होने वाला शब्दातीत ज्ञान नित्य की तुलना में हजारों गुना अधिक प्रमाण में होता है। जो साधक गुरु पूर्णिमा महोत्सव की तैयारी में जिस मनोभाव से सम्मिलित होते हैं उसी अनुपात में उन्हें लाभ भी होता है। उस दिन केवल दर्शन हेतु आने वालों को उतना लाभ नहीं होता है, खरे शिष्य को गुरु का स्मरण जो है वो प्रतिक्षण रहता है, वर्ष भर उसको गुरु का स्मरण रहता है। जो खरे शिष्य नहीं है उन्हें गुरु का स्मरण वर्ष में कम से कम एक दिन तो हो, एक बार तो हो, इसीलिए भी गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन और एक बात जो होती है, गुरु पूजन के साथ साथ श्री व्यास पूजा भी की जाती है, तो इसका कारण हमारे आप दर्शकों को निश्चित बताइए। बिल्कुल, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बारे में शास्त्र बहुत सुंदर शास्त्र है। महर्षि व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया, महाभारत, श्रीमद् भागवत, इसके साथ साथ 18 महापुराण इत्यादि महान रचनाएं की। महर्षि व्यास जी ने जो लिखा उसके अतिरिक्त तो कोई भी कुछ भी नहीं बता पाएगा। इसलिए ऐसा कहते हैं, आपने कभी सुना होगा, व्यासोश्चिष्टम जगत सर्वम, अर्थात व्यास जी ने वाणी के द्वारा सर्व ग्रंथ बताए, अतः उसके पश्चात लिखे गए सर्व ग्रंथ व्यास के उच्चिष्ट अर्थात जुटन समान है। रेखा गणित में व्यास का अर्थ है गोल अर्थात सर्कल के अंदर का सबसे सबसे बड़ी रेखा। महर्षि व्यास का वाङ्मय भी उतना ही महान है। अब सभा में, किसी सभा में बोलने वाला जो वक्ता होता है वो वहां पर जिस पर खड़ा हो जाता है उसे व्यास पीठ कहते हैं। महर्षि व्यास का पीठ के रूप में उसको देखा जाता है। व्यासपीठ से बोले जाने वाले वक्ता से सबकी अपेक्षा ये रहती है कि महर्षि व्यास के समान उसे भी अपने विषय का परिपूर्ण ज्ञान हो। महर्षि व्यास की महान ग्रंथ रचना के कारण उन्हें आदि गुरु माना जाता है। ऐसे महर्षि व्यास के पुण्य स्मरण में कई स्थानों पर गुरु पूर्णिमा के दिन पहले व्यास पूजन किया जाता है और उसके उपरांत गुरु पूजन किया जाता है। थोड़ा अलग प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि जन्मदिन सभी के लिए एक अपने जीवन में महत्वपूर्ण दिन ऐसे ही लगता है, तो एक शिष्य की दृष्टि से, यानी जिसके लिए गुरु ही सर्वस्व होते हैं, तो उसके लिए गुरु का जन्मदिन, इस विषय में उन्होंने क्या विचार रखने चाहिए? अब गुरु के जन्मदिन की अपेक्षा उन्हें जिस दिन गुरु प्राप्ति हुई है वही उनके लिए एक प्रकार का पुनर्जन्म होता है। इस कारण श्री गुरु का जन्म या जन्मदिन उसी दिन तिथि के अनुसार मनाना चाहिए। यदि इसकी जानकारी न हो तो उनका जन्मदिन तिथि अनुसार हम मना सकते हैं। यही जन्मदिन के बारे में बताया जा सकता है। एक थोड़ा शिष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, क्या गुरु शिष्य की परीक्षा लेते हैं? अवश्य। आध्यात्मिक परीक्षा में सभी प्रश्नों को सुलझाना ही पड़ता है। व्यवहार की परीक्षा अलग होती है, आध्यात्मिक परीक्षा अलग होती है। व्यवहार में जैसे 6 प्रश्नों में से केवल 4 प्रश्न सुलझाने से बात तो बन जाती है, वैसे अध्यात्म में नहीं चलता है। सभी प्रश्नों में उत्तीर्ण होना अर्थात पास होना पड़ता है।
यहाँ पर व्यवहार के जैसे 35% यानी 35% अथवा 50% अंक मिलने पर पास हो गए, ऐसा नहीं होता है। पूरे 100% अंक प्राप्त करने वाला शिष्य ही उत्तीर्ण शिष्य हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है। सत्य तो यह है कि अंतर्यामी गुरु को सब कुछ ज्ञात होता ही है, इसलिए उन्हें शिष्य की परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता तो नहीं रहती है। फिर भी अन्य लोगों को शिष्य की पात्रता दर्शाने के लिए गुरु कभी कभी उसकी परीक्षा लेते हैं। फिर भी कृपा के सागर श्री गुरु शिष्य को सिखाते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं, उसे उत्तर भी बताते हैं एवं उत्तीर्ण भी गुरु ही करते हैं। और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वे स्वयं ही अनुत्तीर्ण सिद्ध होंगे। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अध्यात्म में गुरु परीक्षा लेते हैं, परीक्षा में कैसे उसका उत्तर देना है ये भी बताते हैं और शिष्य को उत्तीर्ण बनाकर मोक्ष तक लेके जाते हैं। तो यही गुरु की महिमा है। आपके इस उत्तर से गुरु की महिमा भी हमें ध्यान में आई और शिष्य का दृष्टि से गुरु को कैसे देखना चाहिए ये भी ध्यान में आया। एक थोड़ा सा अलग प्रश्न ऐसे भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि जिस भारत भूमि से हम या भारतवर्ष से हम हैं और जिस सनातन हिंदू परंपरा को हम मानते हैं, उसमें चाहे भारत हो या नेपाल हो, ऐसे देशों में जहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले एक ज्योतिष शास्त्र को बहुत मान्यता देते हैं और ज्योतिष शास्त्र में कुंडली ग्रह इत्यादि के प्रभाव जो मनुष्य पर होते हैं या मनुष्य के जीवन को जैसे प्रभावित करते हैं, इस विषय में बताया जाता है। तो क्या शिष्य की कुंडली के ग्रह जो होते हैं या शिष्य की कुंडली में ग्रहों की बाधा होती है या परिणाम होता है, या फिर गुरु शिष्य की ग्रहों की जो गति है उससे भी रक्षा करते हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रहों की जो गति होती है वो देह तक ही सीमित है, स्थूल देह तक ये सीमित रहता है। अब जिसकी देह बुद्धि नष्ट हो चुकी है, अर्थात देहभान नष्ट हो गया है, उसे ग्रहों से बाधा नहीं होती है। उसी प्रकार जो सदगुरु को समर्पित हो चुका हो, उसके देह भोग ग्रहों की गति पर आश्रित नहीं रहते हैं, वे सदगुरु की इच्छा पर निर्भर रहता है। उनकी इच्छा के अनुसार शिष्य के भोग आगे पीछे हो जाते हैं अथवा शिष्य उन्हें सुविधा के अनुसार भी भोग सकता है। अब पुनर्जन्म के पश्चात पुराने कुंडली का कोई उपयोग नहीं है। गुरु प्राप्ति होना यह भी एक पुनर्जन्म ही है, अतः उस समय के अनुसार शिष्य की कुंडली बनाना आवश्यक होता है। सत्य तो यही है कि गुरु प्राप्ति के उपरांत शिष्य की कुंडली में अन्य ग्रह शेष नहीं रहते हैं, केवल गुरु ग्रह रह जाता है। एक बार किसी संत ने भुरानंद बाबा जी से, एक संत हैं, संत थे भुरानंद बाबा, उनकी कुंडली मांगी। इसके ऊपर उन्होंने कहा कुंडली ने देह पर लागू होती है, संतों का देह ही होता नहीं है, तो मैं कौन सी कुंडली आपको दिखाऊं? आपके उत्तर से गुरु का महत्व भी हमें ज्ञात हुआ कि एक शिष्य के जीवन में गुरु किस प्रभाव से, किस प्रकार से शिष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं और नियंत्रित करते हैं, ये भी आपके उत्तर से स्पष्ट हुआ है। हम आपसे एक शिष्य की उन्नति से संबंधित भी जानना चाहेंगे, यानी शिष्य की उन्नति करना, ये जैसे गुरु का कार्य है, तो वैसे ही क्या गुरु को देश धर्म इस संबंध में भी कुछ दायित्व होते हैं क्या? ये काल के अनुसार आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। वर्तमान काल के लिए इसका उत्तर जानना बहुत आवश्यक है। गुरु एक प्रकार से पृथ्वी पर चलते फिरते ईश्वर ही है। भक्तों पर सदैव कृपा करने वाले ईश्वर संत सज्जनों की रक्षा तथा धर्म रक्षा के लिए असुरों पर अस्त्र शस्त्रों का वर्षाव भी करते हैं, आप सब जानते हैं। असुरों का नाश करके धर्म रक्षा करने वाले ईश्वर का ये दूसरा रूप हम भूल जाते हैं। अंतकरण से ईश्वर से एकरूप हुए गुरु ईश्वर के
इस क्षात्र कार्य से अलिप्त कैसे रह पाएंगे, इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला उदाहरण है आर्य चाणक्य का। जब आर्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य के पद पर नियुक्त हुए, तब केवल विद्यादान करके करने तक ही उन्होंने स्वयं को सीमित नहीं रखा था, अपितु चंद्रगुप्त जैसे अनेक शिष्यों को क्षात्र उपासना का महामंत्र दिया और उनके द्वारा विदेशी ग्रीकों के हिंदुस्तान पर हुए आक्रमण को विफल भी किया एवं हिंदुस्तान को एकजुट किया, संगठन का कार्य किया। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा समर्थ रामदास स्वामी। प्रत्यक्ष प्रभु श्री राम के दर्शन करने वाले समर्थ रामदास स्वामी मात्र राम नाम का ही जप करने में व्यस्त नहीं रहे, अपितु समाज बल की उपासना करें, इस हेतु उन्होंने अनेक स्थानों पर हनुमान जी की स्थापना की एवं छत्रपति शिवाजी महाराज को अनुग्रहित किया और उनके द्वारा हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करवाई और इस सबको। और तीसरा उदाहरण स्वामी वरदानंद भारती और काटे स्वामी जी, इनका भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ समय पूर्व देहत्याग करने वाले स्वामी वरदानंद भारती एवं महायोगी गुरुदेव काटे स्वामी जी भी ऐसे ही महान गुरु थे। धर्म तथा अध्यात्म की शिक्षा देने के साथ ही इन महान पुरुषों ने अपनी लेखनी के माध्यम से राष्ट्र तथा धर्म के कर्तव्यों के प्रति सोए हुए हिंदू समाज को जागृत करने का कार्य किया है। ऐसे अनेक गुरु हैं जिन्होंने अपने आचार विचारों से अपने शिष्यों तथा समाज के समक्ष राष्ट्र एवं धर्म रक्षा के पवित्र कार्य का आदर्श रखा हुआ है। ये जैसे आपने उदाहरण दिए तो ऐसे समाज में आज बहुत ही विरले ही उदाहरण मिलते हैं, पर देखने में क्या आता है कि संत अपने उपासना मार्ग को छोड़कर अन्य कुछ भी विचार करते हुए आज दिखाई नहीं देता, तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि अधिकांश गुरुओं की मात्र तारक उपासना होती है, इसलिए उनकी वृत्ति तारक तथा सहिष्णु बन जाती है। ऐसे गुरुओं के मन में राष्ट्र एवं धर्म की रक्षा के विचार संभवतः नहीं आते होंगे। फिर कुछ गुरुओं के गुरुपद पर आसीन करते समय उनके गुरु ने उन्हें जिस शिक्षा का प्रसार करने के लिए कहा गया है उसमें राष्ट्र एवं धर्म रक्षा का विषय ही नहीं रहता, क्योंकि उस समय उसकी इतनी आवश्यकता नहीं थी, ऐसा हो सकता है। अब गुरु के आज्ञा पालन के स्वरूप या आज्ञा पालन के रूप में ऐसे गुरु जो उनके गुरु ने बताया है उसी का प्रसार करते रहते हैं, उससे परे राष्ट्र एवं धर्म के कार्य की आवश्यकता की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। तीसरा कारण ये भी है कि कुछ गुरु गुरुपद के योग्य ही नहीं होते हैं। और भी एक कारण है, कुछ गुरुओं में अहम होता है, इसलिए उनमें राष्ट्र एवं धर्म रक्षा का कार्य करने वाले संतों से सीखने की वृत्ति नहीं होती है। और अंत में और भी एक कारण मैं बताऊंगा कि लोकेशना एवं धन की लालसा के अधीन पाखंडी गुरु प्रबल आसुरी शक्तियों के अधीन हो जाते हैं, इसलिए आसुरी शक्तियां उनके मन में राष्ट्र एवं धर्म के विचार आने ही नहीं देती। ऐसे विभिन्न कारण हैं जिसके कारण कुछ संत राष्ट्र और धर्म का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आज के समय में वर्तमान में जो हम राष्ट्र की स्थिति देख रहे हैं, तो ऐसे समय में एक गुरु द्वारा राष्ट्र और धर्म की शिक्षा देना ये आवश्यक है, ऐसे आपको लगता है क्या? देखिए, हमारे यहाँ काल महिमा की बात की गई है और काल के अनुसार कार्य करना एक बहुत आवश्यक बात होती है। जिस प्रकार गुरु का शांतिकालीन धर्म साधकों को ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना सिखाता है, उसी प्रकार राष्ट्र एवं धर्म की रक्षा के लिए समाज को जागरूक करना यह भी गुरु का आपातकालीन धर्म ही है। गुरु शिष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए साधना सिखाते हैं, परंतु यदि राष्ट्र एवं धर्म सुरक्षित नहीं है
तो कोई साधना कैसे कर पाएगा। अतः शिष्य में ही नहीं प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय चरित्र तथा धर्म प्रेम निर्मित करना गुरु का कर्तव्य होता है। माया में रहकर साधना करते समय स्वयं में विद्यमान देवत्व अर्थात ब्रह्मत्व जागृत होने से गुरु को ब्रह्म प्राप्ति होती है। स्वयं में विद्यमान ब्रह्मत्व जागृत रखने के साथ ही दूसरे में माया में ब्रह्मत्व देखना यह गुरु की साधना यात्रा का अगला पड़ाव है। अतः जिसमें ब्रह्मत्व देखना है उसके विषय में गुरु को क्या कुछ भी नहीं लगेगा। धर्म बंधुओं पर अत्याचार होते देखते हुए उनके विषय में क्या गुरु के मन में करुणा जागृत नहीं होगी। राष्ट्र दुख से व्याकुल हो रहा है उस समय क्या गुरु शांत जीवन जी पाएंगे। संक्षेप में काल की आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्र एवं धर्म की रक्षा के लिए साधना करने की सीख शिष्यों एवं समाज को देना यह गुरु का वर्तमान समय में कर्तव्य है। राष्ट्र एवं धर्म रक्षा उनकी तथा शिष्य एवं समाज की भी काल के अनुसार आवश्यक साधना होती है और यही काल के अनुसार गुरु अपने शिष्यों को अपने साधकों को अपने समाज को सिखाते हैं। पूजनीय नीलेश जी, पिछले कुछ दिनों से हम दर्शकों के साथ यहाँ पर लगातार गुरु शिष्य इस विषय पर संवाद धर्म संवाद करते आ रहे हैं, पर वर्तमान में एक बार अगर हम देखेंगे कि बहुत लोगों का इन सब से विश्वास उठता जा रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? एक प्रायोगिक स्तर का प्रश्न है और बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठता है। मैं थोड़ा सा आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए वर्तमान परिस्थितियों की ओर जाता हूँ। आजकल के प्रचार माध्यमों में धर्म विरोधी शक्तियां प्रविष्ट कर गई है। इस कारण आध्यात्मिक दृष्टि से अधिकारी हिंदुओं के साधु संतों के द्वारा धर्म और संस्कृति रक्षा में दिया जा रहा अनमोल ऐसा योगदान जो है इसको पूर्णतः दुर्लक्ष करते हुए समाज के मन में उनकी छवि मलिन की जा रही है, उनकी छवि खराब की जा रही है। इसके लिए वे उन पर नित्य नए नए आधारहीन आरोप लगाते हैं। हिंदू संतों पर आरोप करने वाले ये प्रचार माध्यम पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से नष्ट हो रही युवा पीढ़ी, वासना से बढ़ रहे बलात्कार तथा नशीले पदार्थों के अधीन हो रहे युवा, इनके संदर्भ में कुछ नहीं कहती। उल्टा 31 दिसंबर की रात्रि में कितने करोड़ की दारू बेची गई ये उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। कौन सी अभिनेत्री ने कितने कम कपड़े पहने, उसका किसी पराये मर्द के साथ बिना विवाह के रहना, गर्भवती होना, ये सब व्यभिचार पब्लिसिटी के नाम पर पेज 3 कहकर प्रसिद्ध किया जाता है। ये सारा प्रयत्न केवल इसलिए है कि हिंदुओं की श्रद्धा खंडित हो और वे धर्माचरण करना छोड़ दें। इससे हिंदू समाज भ्रमित हो गया है। भ्रमित होने के कारण वो सच्चे साधु संतों को पहचान नहीं पा रहे आज और उन्हें आदर भाव की दृष्टि से नहीं देख पा रहे हैं। हिंदू साधु संतों पर झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि निरंतर मलिन करने का प्रयास किया जा रहा है। अब राजनेता भी अपने स्वार्थ के लिए साधु संतों का अपमान कर रहे हैं और उन्हें कष्ट दे रहे हैं। कुछ प्रसिद्धि लेने को उत्सुक दुराचारी साधु भी स्वार्थवश राज्यकर्ताओं और पुलिस से मिलकर वास्तविक धर्माचार्यों को समाज के सामने अपराधी सिद्ध करने के लिए बढ़ चढ़कर प्रयत्न कर रहे हैं। साधु संतों की समाज मन पर अंकित की जाने वाली विकृत छवि और हिंदुओं में धर्माभिमान का अभाव, इन कारणों से आज सामान्य हिंदू खरे साधु संतों से दूर होता जा रहा है। उचित मार्गदर्शन के अभाव में उनकी स्थिति भ्रमित व्यक्ति की भांति हो गई है।
हिंदुओं को खरे साधु संतों को जानने की दृष्टि प्राप्त हो, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य की महत्ता सभी समझ सकें और हिंदुओं को उनका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त होकर उनका जीवन का सार्थक हो, इसलिए सनातन संस्था ने इस विषय में कई ग्रंथ आज प्रकाशित किए गए हैं। संस्था ने कई ग्रंथों का प्रकाशन किया हुआ है। तो ये एक आज बहुत गंभीर बात हमारे सामने आ रही है कि किस प्रकार से जो प्रचार माध्यम है, धर्मद्रोही है, हमारे साधु संतों की प्रतिमा को मलिन कर रहे हैं, एक धर्म पर इतना बड़ा आघात हो रहा है और इसी के वजह से आज लोगों का धीरे धीरे जो विश्वास है वो कम होता जा रहा है। पूजनीय नीलेश जी, आपने जो यह अभी धर्म तथा गुरु परंपरा, संत परंपरा के प्रति समाज में जो विश्वास कम हो रहा है, उसके जो कारण मीमांसा आपने की, तो उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि एक बहुत बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र है जिसके तहत भारत के सनातन धर्मी मानने वाले हिंदुओं के श्रद्धा के स्थान के साथ या धर्म के विषय में जो उनकी आस्था है उसको तोड़ने का जो एक षड्यंत्र है वो हमें समझ के लेना चाहिए और उसको विफल करने का प्रयास हमें निश्चित तौर पर करना चाहिए। क्योंकि प्रसार माध्यम हो, राजनेता हो, बुद्धिवादी हो, ये सभी संतों की महंतों की छवि धूमिल करने के लिए प्रयासरत है। कुछ पाखंडी साधु है तो ऐसे लगता है कि उनके कारण भी हमारा धर्म जो है वो कलंकित हो रहा है। तो हमें आपसे एक यह प्रश्न पूछना है कि जो समाज में सच्चे संत हैं तो वह ऐसे पाखंडी जो संत या पाखंडी धर्मगुरु हैं उनके कार्य को उजागर करने का कार्य क्यों नहीं करते हैं? जो सच्चे संत होते हैं वो ये कार्य अवश्य करते हैं। भगवान रमण महर्षि का एक उदाहरण है। एक बार रमण महर्षि के पास मध्य प्राशन करके साधुओं का एक झुंड आकर कहने लगा, श्री रंगम में साधुओं का मेला लगने वाला है, आपको उस मेले में जाने की अगस्त्य ऋषि ने आज्ञा दी है। जिस पोडिकाई पर्वत पर अगस्त्य ऋषि सहस्त्रों वर्षों से तप कर रहे हैं, हम वहीं से आए हैं। आपके शरीर के कुछ क्षार आपकी आध्यात्मिक उन्नति में रुकावट बन रहे हैं, पहले उन्हें निकाला जाएगा, पश्चात आपको दीक्षा दी जाएगी। तो ये सर्व भाषण भगवान रमण ने सुनकर भी उसको अनसुना किया, परंतु उस समय वहां बैठे पेरुमल स्वामी नाम के उनके एक भक्त ने कहा, आपके आने की हमें पहले सूचना मिली हुई है और हमें ऐसी आज्ञा है कि आग पर बड़ा कड़ाहा रखकर उसमें आपको सुलाया जाए। और यह सत्य लगने के लिए उस शिष्य ने दूसरे शिष्य की ओर देखकर पेरुमल स्वामी ने कहा कि जाओ एक बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें आग लगाओ। तो ये सुनकर मध्य प्राशन किए हुए साधु संत वहां से तुरंत भाग गए। उनके जीवन का और एक उदाहरण है। एक बार एक साधु कड़हस्ती गांव से आए थे। उन्होंने सोचा कि भगवान रमण जी का गुरु बनकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाऊंगा। वो रमण महर्षि से कहने लगे, तुम्हारा सब कैसा चल रहा है बेटा, ये देखने के लिए मैं आया हूँ और तुझे दत्तात्रेय मंत्र देने के लिए मैं इतने दूर से आया हूँ। ये सुनकर भगवान रमण कुछ ही नहीं बोले। तब वो साधु पुनः बोले, ईश्वर ने मेरे स्वप्न में आकर मुझे आज्ञा दी है कि मैं तुझे ये उपदेश करूँ। इस पर भगवान रमण ने कहा कि ठीक है, तो ईश्वर ने मुझे कह दें, मुझसे कह दें कि मैं ये उपदेश आपसे ग्रहण करूं, तो मैं ग्रहण कर लूंगा। तो इस प्रकार से सच्चे अंतर्यामी संत होते हैं, तो उन्होंने पाखंड को दूर करने का हमेशा ही प्रयास किया है और हमेशा ही इस प्रकार का कार्य किया है, अपने अपने तरीके से किया है। और आप सभी को, सभी दर्शकों को मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि सनातन संस्था के जो संस्थापक हैं परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी, इन्होंने भी ऐसे पाखंडी साधुओं का पाखंड उजागर करने के लिए ग्रंथ निर्मिति का कार्य किया है। इस विषय में कई ग्रंथों का निर्माण किया है, प्रकाशन किया है।
सनातन प्रभात, इन पत्रिकाओं में हम समय समय पर ये जानकारी देते रहते हैं और इस संदर्भ में समाज और लोगों की, भक्तों की, जिज्ञासुओं की इसके संदर्भ में जागृति करते रहते हैं। एक प्रश्न हम ऐसे भी आपसे जानना चाहेंगे उत्तर इसका, आपने जैसे अभी सनातन प्रभात के बारे में बताया, तो सनातन प्रभात में हिंदू राष्ट्र के विषय में भी लिखा जाता है, तो हिंदू राष्ट्र में ऐसे पखंडी साधुओं का क्या करेंगे? ये अच्छा प्रश्न है। आजकल ढोंगी महाराज या ढोंगी स्वामी आदि की संख्या इतनी बढ़ गई है कि इनके कारण अधिकांश जनता खरे संतों तक पहुंच नहीं पाती है। ढोंगी महाराज और स्वामियों की पोल एक न एक दिन तो खुल ही जाती है। ऐसा अनुभव होने पर साधारण जनता का विश्वास खरे संतों पर भी डगमगा जाता है। इससे साधना, अध्यात्म आदि विषयों में जो विश्वास होना चाहिए वो विश्वास भी उनका उठ जाता है। ऐसे लोग बुद्धिवादियों के जाल में फंस भी जाते हैं और धर्मद्वेषी बन जाते हैं। इसे रोकने के लिए हिंदू राष्ट्र में संतों की परीक्षा होगी। खरे संत ही स्वयं को महाराज या स्वामी आदि कहलवा सकेंगे। अभी हम आपने उल्लेख किया सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी, और हम गुरु शिष्य इस विषय पर ये संवाद कर रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के विषय में आप हमें कुछ बताएं। ऐसा कहा गया है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। ऐसा क्यों कहा जाता है? गुरु श्री कृष्ण ने शिष्य अर्जुन को न केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्म सिखाया अपितु धर्म रक्षा के लिए अधर्मियों से लड़ना भी सिखाया। अधर्मियों से लड़ना चाहिए, ये ज्ञान उसको दिया। शिष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना बताने वाले आज अनेक गुरु हैं, परंतु राष्ट्र एवं धर्म रक्षा काल के अनुसार आवश्यक साधना है ऐसी सीख देने वाले गुरु गिने चुने ही होते हैं। इनमें अग्रणी हैं सनातन संस्था के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर जयंत आठवले जी। ईश्वर के अवतारों में से भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण अवतार है, और परम पूज्य डॉक्टर जयंत आठवले जी का जीवन चरित्र देखा जाए तो उनमें भगवान श्री कृष्ण के समान ब्राह्मण तेज और क्षात्र तेज भी है। परम पूज्य डॉक्टर जी के आचार विचार, राष्ट्रभक्ति एवं धर्म प्रेम का धधकता यज्ञ कुंड है, जबकि उनका जीवन इस यज्ञ की पवित्र आहुति है। हिंदू समाज धर्म पालन के अभाव में सांस्कृतिक मूल्यों को भूलकर पश्चिमी प्रथाओं के अधीन हो गया है। ग्रंथों के माध्यम से हिंदू आचार, संस्कृति पालन, धर्माचरण एवं साधना सिखाने वाले परम पूज्य डॉक्टर आठवले जी कलयुग में महर्षि व्यास का कार्य कर रहे हैं। परम पूज्य डॉक्टर आठवले जी द्वारा किए अध्यात्म, हिंदू धर्म और सूक्ष्म विश्व संबंधी वैज्ञानिक शोध कार्य तथा मार्गदर्शन के कारण विदेशियों ने, इन्होंने भी हिंदू धर्म के अनुसार साधना करना आरंभ की है। यानी विदेश के लोग भी आज साधना कर रहे हैं उनके मार्गदर्शन के अनुसार। वे हिंदू धर्म की ध्वजा सात समुद्र पार फहराने वाले दूसरे स्वामी विवेकानंद ही लगते हैं। अपने जो ये व्यापक कार्य है, ज्ञान दान का जो ये व्यापक कार्य चल रहा है, इस विषय में जो परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी के विषय में बताया, और समाज की जो आज की स्थिति है, तो इस विषय में आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हिंदू धर्म, देवता, धर्म ग्रंथ, संत एवं राष्ट्रपुरुष, हिंदू समाज के इन आस्था केंद्रों की अपमान के विरुद्ध आवाज उठाना प्रत्येक हिंदू का धर्म कर्तव्य है, और यह दृढ़तापूर्वक प्रतिपादित करने वाले परम पूज्य डॉक्टर आठवले जी हिंदू धर्म रक्षक ही हैं। सोए हुए हिंदू मन में राष्ट्र रक्षा और धर्म जागृति की ज्योत जगाने के लिए ग्रंथ लिखने वाले परम पूज्य डॉक्टर जी वर्तमान समय के वास्तविक समाज सुधारक हैं। स्वतंत्रता के पूर्व
प्रकाशित होने वाले लोकमान्य तिलक के केसरी के पश्चात सहस्त्रों देशवासियों के मन में राष्ट्र एवं धर्म रक्षा की वैचारिक क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित करने वाले सनातन प्रभात इस नियतकालिक समूह के संस्थापक संपादक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आडवाणी जी वर्तमान समय के वास्तविक लोकनायक है। सर्वंकष हिंदू हित के लिए हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता का उद्घोष करने वाले स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी के उपरांत देश की सभी समस्याओं पर धर्माधिष्ठित हिंदू राष्ट्र की स्थापना यही एकमात्र प्रभावी उपाय है ऐसा दृढ़तापूर्वक प्रतिपादित करने वाले तथा उस विषय में मार्गदर्शन करने वाले परम पूज्य डॉक्टर आठवले जी वर्तमान समय के दृष्टा हैं। स्वतंत्रता पूर्व काल में महर्षि अरविंद जैसे अनेक ज्ञात अज्ञात संतों की आध्यात्मिक सहायता के कारण स्वतंत्रता के संग्राम को ईश्वरीय आधार पर प्राप्त हुआ, यानी स्वतंत्रता के लिए जो संग्राम हुआ था उसके लिए ईश्वरीय आधार प्राप्त हुआ था, अंत में स्वतंत्रता का संग्राम सफल भी हुआ। आज अनेक राष्ट्रवादी कार्यों में परम पूज्य डॉक्टर आठवले जी आध्यात्मिक बल की आपूर्ति कर रहे हैं, तो इस प्रकार से उनका कार्य हर क्षेत्र में आध्यात्मिक सामाजिक राष्ट्र और धर्म के कार्य में एक बहुत बड़ा महान कार्य के वे प्रणेता है। जी ऐसे महान विभूति के चरणों में हम कोटि कोटि कृतज्ञ हैं। अगला प्रश्न मैं आपसे सनातन संस्था की जो संत परंपरा है इस विषय में आप इसकी विशेषता हमारे दर्शकों को बताएं ऐसे कहूंगा। जरूर, एक बार कोई संत बन जाता है तो महाराज गिरी यानी अर्थात स्वयं को महाराज कहलवाना, दिखावा करना, लोकेशना इत्यादि में फंस जाता है। आमतौर पर भक्तों के पास जाना, पाद्य पूजा करवाना, समाज में अपना बड़प्पन दिखाना इत्यादि सब करने में ही उनका समय निकल जाता है, इसलिए उनके पास अपने साधना के लिए समय नहीं रहता, साथ ही उनका अहंकार भी बढ़ जाता है। इसके विपरीत सनातन के संत अपनी साधुता का प्रदर्शन नहीं करते, इसलिए वे ऐसे संकट से मुक्त ही रहते हैं और अपने साधना भी करते रहते हैं, इसीलिए उनका आध्यात्मिक जो स्तर है वो तीव्र गति से बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप वे गुरु, सदगुरु और परात्पर गुरु इस क्रम से अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। पूजनीय नीलेश जी, आज के धर्म संवाद में आपने न केवल हमारे गुरु शिष्य विषय में आपने हमें मार्गदर्शन किया बल्कि एक महान विभूति परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के विषय में भी आपने हमारे दर्शकों को बताया और साथ ही साथ वैशिष्ट्यपूर्ण ऐसी सनातन संस्था की संत परंपरा इसकी विशेषता भी आपने सभी को बताई, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। दर्शकों, आज गुरु के विषय में हमने अनेक प्रश्न पूजनीय नीलेश जी से पूछे। पिछले कुछ धर्म संवाद में लगातार हम गुरु शिष्य विषय पर धर्म चर्चा कर रहे हैं। अगले धर्म संवाद में नए विषय के साथ हम आपसे पुनः एक बार मिलेंगे। इसी के साथ आज का यह धर्म संवाद समाप्त हम करेंगे। इससे पूर्व जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में हम कोटि कोटि कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और आज के धर्म संवाद को यहीं पर विराम देंगे। नमस्कार। मैं नीलेश सिंहवाल हिंदू जन जागृति समिति की ओर से पालघर में पुलिस कर्मियों के सामने ही दो संतों का मॉब लिंचिंग करना ये महाराष्ट्र को अत्यंत कलंकित करने वाली घटना हुई है। पालघर में हिंसक भीड़ ने पुलिस कर्मियों के सामने ही अमानुष मारपीट कर श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के संत कल्पवृक्षगिरी महाराज एवं सुशीलगिरी महाराज और उनके साथ ही उनके वाहन चालक की निर्मम हत्या की है। इस संदर्भ में सामने आए हुए वीडियो में पुलिस कर्मियों के द्वारा ही उन वयोवृद्ध संतों को हिंसक भीड़ के सामने उनके हाथों सौंपने और पुलिस कर्मियों के सामने ही उनकी निर्मम हत्या किए जाने का भीषण सत्य उजागर हुआ है। जिन पर जनता की सुरक्षा का दायित्व है वे पुलिसकर्मी ही यदि हत्या करने वालों की सहायता करने लगे तो अब जनता किसके भरोसे रहेगी। इससे पहले भी ठाणे के पुलिसकर्मियों के द्वारा
एक हिंदुत्वनिष्ठ को उसके घर से उठाकर मंत्री के बंगले पर लेके जाना, वहां उसके साथ अमानुष मारपीट होना, इस प्रकार की घटना सामने आई हुई है। तुकाराम ओंबळे जैसे पुलिसकर्मी के बलिदान से बड़ा महाराष्ट्र पुलिस बल का गौरव ऐसी घटनाओं से कलंकित होकर पतन की ओर जा रहा है। ये घटनाएं संतों की भूमि कहलाने वाले महाराष्ट्र को कलंकित कर रही है। बार बार हिंदुओं को लक्ष्य बनाने वाली ऐसी हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पालघर के प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच कर दोषी हिंसक भीड़ के साथ संबंधित पुलिस के विरुद्ध भी धारा 302 के अंतर्गत प्राथमिकी प्रविष्टि की जानी चाहिए। साथ ही पुलिस कर्मियों को पुलिस विभाग की सेवा से हटा देना चाहिए, यह हमारी मांग है। सरकार को इस संदर्भ में जनता के सामने सच्चाई रखनी चाहिए। लॉकडाउन में यातायात बंदी के समय पालघर में रात के समय सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। वहां पर लाठियों के साथ वो बाहर आती है और संतों द्वारा पुलिस कर्मियों से संरक्षण की गुहार लगाने के बाद भी ये भीड़ उनकी निर्मम हत्या कर रही है। ये स्तंभित करने वाला दृश्य है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा देश के 13 अखाड़ों में से सबसे बड़ा अखाड़ा है। इस कारण देश भर में रोष व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए सरकार इस प्रकरण में तुरंत कार्रवाई करे, यह हमारी मांग है। अधिवक्ताओं की और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन करते हुए भी जांच की जा सकती है, वरना सरकार इसकी जांच के लिए न्यायिक कमीशन नियुक्त करे। साथ ही दोषी पुलिस कर्मियों को पुलिस विभाग की सेवा से हटाया जाए, ये हिंदू जनजागृति समिति की मांग है।